एक तरफ है जियो एयर फाइबर और दूसरी तरफ है एयरटेल का एयर फाइबर। अगर आप इन दोनों की सर्विसेज को लेकर कंफ्यूज हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपने घर के लिए कौन सी सर्विस लेनी चाहिए, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। इसमें हम 5 स्टेप्स पे ये कंपेयर करेंगे कि किसकी सर्विस ज़्यादा बेटर है और आपको किसके साथ जाना चाहिए। तो वीडियो के लास्ट होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने घर पे किसकी सर्विस लगवानी है, यानी कि जियो का एयर फाइबर लगवाना है या फिर एयरटेल का एयर फाइबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और आज की वीडियो में यही सारी जानकारियाँ लेकर आ गया है आपका अपना टेक्टोनी। दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको अच्छे से जानना है, उसको कंपेयर करना है, तो आपको उसको अलग अलग स्टेप पे कंपेयर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में भी हम एयरटेल एयर फाइबर को जियो एयर फाइबर के साथ कुल 5 स्टेप्स पे कंपेयर करेंगे, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चले कि किसकी सर्विस ज़्यादा बढ़िया है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पोर्टेबिलिटी को लेकर। फ्रेंड, आपको भी पता है कि एयर फाइबर जो है वो सुनने में कुछ वायरलेस की तरह लगता है, और वायरलेस होने की वजह से हमें इससे ये उम्मीद है कि ये 100% पोर्टेबल होगा। बट यहाँ पे आपको जो जियो एयर फाइबर है उसके साथ एक आउटडोर यूनिट देखने को मिलता है, जो कि आपके घर के छतों पे इंस्टॉल होता है, और साथ ही साथ वहाँ से एक वायर आपके घर के अंदर राउटर तक आती है, और उसके थ्रू आप अपने घर पे वाईफाई का इस्तेमाल कर पाते हो। वहीं पे एयरटेल एयर फाइबर में आपको एक सिंगल यूनिट देखने को मिलता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी आउटडोर कनेक्शन नहीं होता है, आउटडोर यूनिट नहीं होता, यानी कि आप सीधे एयरटेल एयर फाइबर को निकालो और उसे ऑन करो और अपने घर को वाईफाई में कन्वर्ट कर लो, यानी अपने घर पे वाईफाई का इस्तेमाल इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर पोर्टेबिलिटी की बात करें तो जियो एयर फाइबर थोड़ी सी पोर्टेबिलिटी में मार खा जाता है। फ्रेंड, अगर हम बात करते हैं जियो के एयर फाइबर के आउटडोर यूनिट की, तो आउटडोर यूनिट का कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं, और फायदे ये हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी स्टेबल स्पीड देखने को मिलता है। तो अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो कि है प्लान्स। देखिए, जियो के एयर फाइबर में आपको 6 मंथ और 12 मंथ के 2 प्लान के साथ ये जियो का एयर फाइबर आपको मिलता है स्टार्टिंग में ही, और आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। यानी कि अगर जियो का एयर फाइबर आप लगवाना चाहते हो तो आपको या तो 6 महीने के पूरे पैसे एक साथ देने होंगे, या तो 12 महीने के पूरे पैसे एक साथ देने होंगे। बट एयरटेल का एयर फाइबर अगर आप परचेज करते हो तो आपको सिर्फ एक प्लान देखने को मिलता है, जो कि है 6 मंथ का, यानी 6 महीने के पूरे पैसे आपको एक साथ देने होंगे। अब बात करते हैं जो सर्विस प्लान है वो कैसी है। तो देखिए, यहाँ पर आपको जियो में आपको मिनिमम 30 Mbps की स्पीड से प्लान शुरू हो जाते हैं, जो कि बढ़ते हुए 1 Gbps की स्पीड तक जाते हैं, जैसा कि आप इसके चार्ट में देख पा रहे हैं। इसमें प्राइजेस वगैरह सारी चीज़ें मेंशन है। वहीं पे एयरटेल एयर फाइबर में सिर्फ आपको एक ही प्लान देखने को मिलता है, जो कि है 100 Mbps का, और इसके भी प्राइजेस वगैरह आप सामने देख पा रहे हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो है प्राइस को लेके, यानी कि दोनों ही सर्विसेज को अगर आपको खरीदना हो तो आपको एक मुश्त कितने पैसे देने होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर आप जियो का एयर फाइबर लेने जाते हो तो आपको कुल इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वहीं पे अगर आप एयरटेल का एयर फाइबर लगाने जाते हो तो आपको एक बार में इतने पैसे पे करने होंगे। अब बात करते हैं लोकेशन अवेलेबिलिटी की। देखिए फ्रेंड, अगर आप जियो के साथ जाते हो तो जियो को टोटली 8 सिटीज़ में अभी तक लॉन्च किया गया है, यानी अगर आप इन्हीं 8 सिटी में से किसी एक में रहते हो तभी आप जियो के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी जियो एयर फाइबर सर्विसेज आपको मिलेंगी। वहीं पे अगर एयरटेल एयर फाइबर की बात करें तो आपको सिर्फ 2 जगह पे देखने को मिलेगा, दिल्ली और मुंबई। बट फ्रेंड, एयरटेल एयर फाइबर में बेनिफिट एक ये है कि अगर आपके एरिया में 5G नेटवर्क्स आते हैं तो आप दिल्ली या मुंबई के भी रहने वाले हो, बट अगर आप कहीं दूसरे सिटी में आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। बस एक ही कंडीशन है कि वहाँ पे 5G का नेटवर्क आना चाहिए। तो आप दिल्ली में जाओ, वहाँ पे इसे स्टार्ट करवाओ, मतलब अपना सारा सेटअप वगैरह क्लियर करो, परचेज करो, सर्विस स्टार्ट होने के बाद आप उसे उठाकर अपने दूसरे सिटी में भी लेके जा सकते हो, और वहाँ पे भी अपने 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में यही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।